नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। चौटाला परिवार की कलह से जन्मी जेजेपी के कारण हरियाणा में अपना खो चुकी सियासी वजूद ढूंढने में जुटी इनेलो को थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ, दरअसल इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से 14 दिनों के फरलों पर बाहर आ गए हैं और अब ओपी चौटाला 11 फरवरी से पूरे हरियाणा के सभी 22 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। दिल्ली में मीडिया से रूबरू हुए पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो खत्म होने का दम भरने वाले विरोधियों के तंज पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इनेलो अभी जिंदा है और जींद उपचुनाव में हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज भी चौधरी देवीलाल की नीतियों से जुड़े लोग इनेलो से अलग नहीं हुए हैं। और इसी के साथ देखिए पल पल की यह खास रिपोर्ट। तो कुछ लोग गए, हमारी प्रचार जो इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा कि इनेलो टूट चुकी है, ये हो गया है, वो हो गया है। सही मायनों में इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करने वाले जो लोग हैं वो आज भी जमे हुए हैं और आखिरी सांस तक जमे रहे। हम चाहते हैं कि अच्छे लोगों को इस संगठन में जोड़ा जाए। हमारी सोच कोई राजनीतिक लाभ उठाने की नहीं है, हमारी सोच ये है कि देश का भविष्य उज्ज्वल हो, और देश का भविष्य तभी उज्ज्वल होना संभव है जब इस देश के मेन कर्णधार जो है वो सारे एकजुट होकर के साथ चले। अशोक कश्यप जी हमारे पुराने साथी थे, लेकिन अब नए सिरे से ये पार्टी के प्रति समर्पण भाव से काम करेंगे और इनके आने से हमारी पार्टी को और ज़्यादा मजबूती मिले। इन परिस्थितियों में हमारी पार्टी की एक सोच है, अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों को जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे विश्वास रखने वाले हैं, उन सबको हम नए सिरे से जोड़ेंगे। शुरुआत अगर अच्छी होगी उसके परिणाम सुखद स्वाभाविक है।